लोगों का क्लास 9th से अक्टूबर मंथ का एग्जाम चल रहा है और आप लोगों का पेपर जो है इंग्लिश का होने वाला है। तो अभी के इस वीडियो में आपको ओरिजिनल पेपर का जो है आंसर की करवाऊंगा और ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आप देखिएगा यहाँ से, देखिएगा यहाँ पर आपको ना 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से 25 बनाना है। तो मैं आपको सभी क्वेश्चन का आंसर की बता दूंगा, फटाफट से आप लोग नोट कर लेना। चलिए पहला क्वेश्चन पूछा गया, मोती निशानी वाज डैश डैश बाय प्रोफेशनल प्रोफेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पूछा गया कि द बिस्मिल्ला खान वर्ड सिंह डैश डैश, ठीक है, वर्ड सिंह डैश डैश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बच्चों मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की जो है ना इस वीडियो के आने के बाद जस्ट आएगा, तो इसलिए उसे भी डालना है और मैथ का पेपर जो है आपका वो सब भी डालना है, इसलिए फटाफट से आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, इचो एंड नेरिसोस डैश डैश, तो क्या हुआ। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिए, ग्रीक। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 4 नंबर है, द पोएम साउंड हैज बीन ट्रांसलेट बाय। तो इसका राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रजनी पुरुकल। तो चलिए अगले क्वेश्चन का जल्दी से नोट करिए, 5 नंबर क्वेश्चन का, द यूनिटी लिम्ब्स ए हॉरर मूवी ऑफ द। तो इसका राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया, देयर्स नो हॉर्न इन फ्रॉइंग एनी लिडाइंग्स वाज डिसाइड। तो इसका राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये रहा अगले क्वेश्चन 7 नंबर, हाउ वाज रिटर्न टू मई पीपल टू फ्यू रिडीज। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो मोती निशानी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाउ मेनी अमेरिकन्स डाई ईच ईयर फ्रॉम रैप्टोरी डायसिस। ठीक है, तो देखिए 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सॉरी 8 है ना, तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिएगा, हाउ वाज इचो, तो ईगो है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इचो लिखा गया है, तो 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपको बताते हैं क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर का आंसर होगा, हाउ डेटिनेंट हेडा हीरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, व्हेन वाज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कन्फर्म द ऑन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, 2001। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे अगले क्वेश्चन है, व्हाट वाज द क्या लिखा गया है, जेनिक नेम ऑफ रीडेड नॉमिक। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर 12 है, तो 12 का डायरेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन का नोट करिएगा, इसका डायरेक्ट आंसर होगा 13 नंबर का क्या, तो देखिए पहले बच्चों 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे देखिए यहाँ पर 14 नंबर है, 14 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो मैं पढ़ूंगा नहीं, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है आपका। ठीक है, चलिए 15 नंबर है, 15 नंबर का क्या होगा, हाउ वाज विलियम्स फादर्स। ठीक है, बिस्मिल्ला फादर्स, तो देखिए इसका राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, हाउ वाज द रिटर्न टू डिफरेंट। तो देखिए 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से, आगे का क्वेश्चन 17 नंबर पूछा गया, व्हाट हैप्पीनेस टू द ट्रू। तो इसका राइट आंसर 17 का ऑप्शन बड़े हो जाएगा। ठीक है, हैकर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, विच स्टेट डज द ऑथर ऑफ साउंड बिलोंग्स टू। तो देखिए 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे 19 नंबर क्वेश्चन है, हाउ वाज रिटेन सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से, और ये रहा हमारा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, व्हाट डज द आईज आर नॉट हेयर डील विथ। तो इसका राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए ये 21 नंबर है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे रहा 22 नंबर है, ही इज मैरिड डैश डैश माई सिस्टर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, यानी विथ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 23, द नंबर ऑफ वाइज डैश डैश इंक्रीज। तो इसका राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, आर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, आगे 24 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया, ए लॉट ऑफ फूड डैश डैश राइकिंग हेयर। तो देखिए 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 25 का, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑडिशन, चलिए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 26 नंबर पूछा गया, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो देखिए 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि द टीचर बीट द चाइल्ड। तो पैसिव वॉइस बनाना है, तो देखिए पैसिव वॉइस बनाइएगा, तो इसका राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 28 नंबर हो गया, 27 हो गया, अब हम लोग 28 नंबर की ओर बढ़ेंगे। 28 नंबर है, द मिनिस्टर इज
लिखा गया है दी वेडिंग द स्पीच, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है। देखिए 28 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए आपको बता दें आगे क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोगों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं करो, जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक डाला हुआ है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर क्या होगा कि PDF इसका मिल जाएगा पेपर का, साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा और वीडियो भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है चैनल पर। तो सब्सक्राइब करके चैनल को नोटिफिकेशन को और प्रेस करके रखिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा तो आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये रहा आपका कितना नंबर क्वेश्चन, तो ये रहा 29 नंबर, 29 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा, ये डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। और चलिए आगे बता दें, अगर ग्रुप वगैरह फुल हो जाए या लिंक नहीं काम करे उस कंडीशन में आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके अपना क्लास लिख कर भेजना, नंबर है 6968980595, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर 30 नंबर है, तो 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डायरेक्ट हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैंने आपको टोटल क्वेश्चन बता दिया, आप सब्जेक्टिव का आंसर लेना है तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप प्रेस करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जाना है साथ में, बाय बाय।